हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तीखी स्पेशल काले चने की सब्ज़ी। इसके लिए हम कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया सीड, जिसे कोरिएंडर सीड भी बोलते हैं। थोड़ा सा इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद में 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देंगे। इसे भी हमें हिला देना है। अब मैंने यहाँ पर बेसन का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ग्रेवी को थिक करने के लिए 1 टेबलस्पून दलिया, जिसे रोस्टेड स्प्लिट बैंगल ग्राम्स बोलते हैं, वो भी डाला है। थोड़ा इसे लो फ्लेम पर भून लेते हैं। उसके बाद में 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इस मसाले से टेस्ट तो अच्छा आता ही है, ग्रेवी थिक भी हो जाती है और दिखने में भी काफ़ी टेस्टी बनती है। जो भी देखे आराम से खा ले वैसी बनी है। ठंडा हो जाएगा जब ये सब रोस्ट किया है वो। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी लेंगे, लाल मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर लेंगे और ये डाल देंगे। अब इसका हमें पाउडर बनाना है, तो ये बड़ी आसानी से पिस जाएगा। उसके बाद में हम लेंगे 1 बोल में पानी। यहाँ मैंने 2 बोल काले चने बॉईल किए हुए रखे, उसकी मैं रेसिपी बना रही हूँ। उसके लिए इतना मसाला काफ़ी है। पानी में मिक्स करके इस मसाले की पेस्ट बना के रख देते हैं। अगर आपने दलिया नहीं लिया है, आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। तो बेसन अभी नहीं डालना है आपको। जब हम कढ़ाई में इसका तड़का रेडी करेंगे तब आपको डालना है। इसमें हम ऑयल डाल देंगे 1.5 चम्मच। जब ऑयल थोड़ा हल्का गर्म हो जाएगा, इसमें हम जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। सूखे मसाले में मैंने यहाँ पर डाला है काली मिर्च, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा। अब आप अभी ये पेस्ट डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपने बेसन लिया है तो पहले आपको बेसन को भुनना होगा, उसके बाद में आपको ये पेस्ट डालनी है। मैंने यहाँ पर दलिया लिया है तो सब एक साथ में डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी थिक भी होने लगी है। अगर आपने इस तरह से जैन तिथि में या फिर पर्युषण में चने बनाए हैं तो कोई भी खाने के लिए मना नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने टमाटर की इसमें पेस्ट डाली है या नहीं। अभी ग्रेवी काफ़ी थिक होने लगी है, ऑयल भी रिलीज होने लगा है। तब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आपके चने में कितना है उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक डाला है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम सामान में और कितनी अच्छी ग्रेवी बन के रेडी हुई है। इतने ही टेस्टी चने बने थे। अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए चने। तो चने आप अपने अकॉर्डिंग, थोड़े अगर कभी आपको सॉफ्ट चने चाहिए या किसी को कड़क चाहिए होते, उस हिसाब से आप बॉईल कर सकते हैं। जिस चने में मैंने पानी डाला था वो भी पानी इसमें डाल दिया है ताकि ग्रेवी आराम से पक भी जाए। अब हम देख सकते हैं कितना अच्छा ये हो गया है। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ताकि मसाला और चने सब आपस में मिक्स हो जाए। अब इतना अच्छा बॉईल आ गया है। उसके बाद में हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि मैंने बहुत कम डाला है इसमें गरम मसाला, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनी थी। अब आप चाहें तो इसे खट्टी मीठी बना सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। तो ये देखिए, अगर आप चावल के साथ खाने वाले हैं इसे, तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए और ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर दीजिए। और रोटी पूरी के साथ खा रहे हैं तो ये कंसिस्टेंसी बराबर है। एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखिए।